हाय एवरीवन, वेलकम टू सारिका कुमार रेसिपीज चैनल। आज मैं आपके साथ दो तरह की बर्फी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। एक है लौकी या घी की बर्फी और दूसरी है मिल्क बर्फी। दोनों ही रेसिपीज बहुत ही हेल्दी और टेस्टी हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। तो आइए सबसे पहले हम बनाएंगे घी या लौकी की बर्फी। इसके लिए हम लेंगे आधा कप देसी खांड। अगर आपके पास देसी खांड ना हो तो आप चीनी यूज़ कर सकते हैं। 1/4 कप मैंने मिल्क पाउडर लिया है। अगर आपके पास ये ना हो तो आप ताजी मलाई यूज़ कर सकते हैं। 2 बड़े चम्मच देसी घी लिया है। 1 ग्लास दूध लेंगे, ये बॉइल्ड मिल्क है। और 1/2 किलो के करीब मैंने लौकी ली है। तो बस इतने से इंग्रेडिएंट्स चाहिए हमें घी की बर्फी को बनाने के लिए। सबसे पहले हम घिया लेंगे और उसको दोनों तरफ से 1-1 इंच जो है वो कट कर देंगे। और देखिए, अब हमें ऊपर की जो इसका छिलका है उसको उतार लेना है। और ये नाइफ से ही हम करेंगे, पिलर से नहीं करेंगे। देखिए, बहुत ही जो पतली सी जो छिलका होता है उसको हम इस तरह से नाइफ की हेल्प से निकाल देंगे। देखिए इस तरह से, और इस तरह से इसको अच्छे से वॉश कर लिया मैंने। और इसको बीच में से कट कर देंगे और थोड़ा सा टुकड़ा हम पहले खाकर देखेंगे कि जो घी का कभी कभी जो टेस्ट है वो कड़वा होता है। तो ये देखिए, थोड़ा सा मैं खाकर दिखाती हूँ, ये बहुत ही बिल्कुल बढ़िया है। तो हम आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। देखिए, इसमें थोड़े से जो है बीज नज़र आ रहे हैं, तो इसको भी हम निकाल देंगे क्योंकि हमें इसमें बिल्कुल इस रेसिपी में नहीं चाहिए। तो अगर आपके घी में नहीं हो बीज तो आप ना निकालें। तो इस तरह से जहाँ भी बीज नज़र आ रहे हैं उसको हम इस तरह से नाइफ की हेल्प से निकाल देंगे। देखिए इस तरह से। तो ये घी के ऊपर डिपेंड करता है, कभी कभी घी पे नहीं होते बीज और कभी कभी ज़्यादा होते हैं। तो इस तरह से आप अगर बीज नज़र आ रहे हैं तो उसको इस तरह से निकाल दीजिए और उसको आप यूज़ कर सकते हैं आप किसी भी रेसिपी में। तो देखिए इस तरह से मैंने ये निकाल लिया है और अब इसको हम ग्रेट करेंगे। जो मीडियम साइज़ वाले जो ग्रेटर होता है उसमें हम इसको अच्छे से ग्रेट कर लेंगे। देखिए इस तरह से सारे घी को हम ग्रेट कर लेंगे और मैंने ये कर लिया है। और इसमें जो देखिए जो पीसेस रह जाते हैं ना बड़े बड़े कभी कभी, तो उसको हम इस तरह से नाइफ से कट कर लेंगे। उसको हम फेंकेंगे नहीं क्योंकि उसमें जो है वो जो ग्रीन पार्ट है वो हमें चाहिए होता है। तो इस तरह से जो पीसेस हैं उसको हम नाइफ से काट लेंगे। देखिए इस तरह से। अब हम एक नॉनस्टिक कढ़ाई लेंगे और उसमें 1 चम्मच घी डाल देंगे और इसमें डाल देंगे जो ग्रेट किया हुआ घिया है। और इसको अब हमने लो टू मीडियम फ्लेम पर अच्छे से पहले कुक करना है ताकि जो इसका पानी है वो निकल जाए। और देखिए 5 से 6 मिनट लग जाएंगे इसको हम कुक करेंगे अच्छे से। और देखिए अच्छे से इसका जो पानी है वो निकल गया है। अब इसमें दूध डाल देंगे और दूध डाल के भी हमने इसको पकाना है। गैस की फ्लेम हमने लो टू मीडियम ही रखनी है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ मिल्क पाउडर। अगर आपके पास ये ना हो तो आप घर की ताज़ी फ्रेश जो मलाई होती है वो डाल सकते हैं। और देखिए लगातार इसको हमें चलाते रहना है, बिल्कुल भी ये नीचे नहीं लगना चाहिए। तो इस तरह से इसको चलाते जाएंगे और जो दूध है उसको हमें सुखाना है। जब तक ये प्रोसेस हो रहा है तब तक हम अपनी ट्रे रेडी कर लेते हैं। इस तरह से मैंने एक प्लेट ली है और उसको इस तरह से ग्रीस कर दिया है घी से। और इसके ऊपर मैं एक तरह से ये पेपर लगा रही हूँ। अगर आपके पास ये ना हो तो आप कोई भी पेपर, सेलोफेन पेपर या एल्युमिनियम फॉइल पेपर आप लगा सकते हैं। और देखिए इस तरह से पेपर लगा के उसके ऊपर भी हम हल्का सा घी लगा देंगे। इससे क्या होगा कि बर्फ़ी को निकालने में बहुत ही ईजी रहेगा। इस तरह से थोड़े से जो है ऊपर से कटे हुए बादाम हम डाल देंगे। इस तरह से हमारी जो ट्रे है वो बिल्कुल रेडी है। अब देखते हैं बर्फ़ी की तरफ चलते हैं। और देखिए दूध जो है वो काफ़ी सूख चुका है। अब इसको थोड़ी देर और कुक कर लेते हैं। जब ये बिल्कुल सूख जाएगा तब हम इसमें चीनी डालेंगे। देखिए मैं इसमें देसी खांड डाल रही हूँ 1/2 कप। आप चीनी डाल सकते हैं अगर आपके पास देसी खांड ना हो। और इस तरह से इसको चलाते रहेंगे। चीनी डालने के बाद इसमें हल्का सा ये लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा। तो इसको भी हमने सुखाना है, एकदम ड्राई करना है। तो गैस की फ्लेम लो टू मीडियम ही रहेगी और इसको लगातार हम चलाते रहेंगे, बिल्कुल भी हमें छोड़ना नहीं है। देखिए इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये पहले से काफ़ी ड्राई हो चुका है। अभी इसको थोड़ी देर हम और चलाएंगे और 15 से 20 मिनट का समय इसमें लग जाता है।
देखिए इसे लगातार चलाते रहेंगे क्योंकि अगर हमने इसको छोड़ा तो इसका कलर चेंज हो सकता है। अब इसमें लास्ट में हम एक बड़ा चम्मच जो घी का था वो डालेंगे, एक बड़ा चम्मच हमने स्टार्टिंग में डाला था, एक बड़ा चम्मच हम एंड में डालेंगे और लास्ट में अब हम जो फ्लेम है वो हाई कर देंगे और हाई फ्लेम पर हमने इसको कुक करना है ताकि अच्छे से ये गाढ़ी हो जाए। और देखिए अच्छे से इसको चला लेंगे, देखिए साइडों से ये ब्राउन हो रहा है, तो आपने ये लगातार चलाना है ताकि जो बर्फ़ी है वो बिल्कुल भी कलर जो है उसका चेंज ना हो। और आप देख सकते हैं ये कढ़ाई जो है वो छोड़ना शुरू हो गई है, तो इट मीन्स ये अब रेडी है। तो इस तरह से देखिए तैयार हो चुकी है ये घी की बर्फ़ी बिल्कुल बिल्कुल कढ़ाई छोड़ना जो है इसने शुरू कर दिया है, तो ये बिल्कुल तैयार है। अब इसको हम उतार लेंगे गैस से और देखिए इसमें आधी छोटी चम्मच में केवड़ा वाटर डाल रही हूँ। केवड़ा वाटर डालने से एक तो बहुत ही ज़्यादा जो टेस्ट है वो इनहांस हो जाता है और ये बहुत ही अच्छा लगता है बर्फ़ी में। तो इस तरह से आप इसमें डाल सकते हैं और देखिए जिसको इस अब ट्रे में इस तरह से डाल देंगे जो हमने रेडी करके रखी थी और अच्छे से इसको स्प्रेड कर देंगे। देखिए इस तरह से अच्छे से इसको फैला देंगे और इस तरह से देखिए हल्का सा ऊपर से घी भी लगा देंगे जो बचा हुआ है हमारे पास और अच्छे से इसको एक स्पून की हेल्प से एकदम स्मूथ कर लेंगे। और देखिए अब इसको फ्रिज में रख देंगे लगभग एक घंटा सेट होने के लिए। देखिए इस तरह से एकदम स्मूथ करेंगे और इसको देखिए एक घंटा हो चुका है और अब देखिए इसको हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में। देखिए बहुत ही सॉफ्ट होती है घी की बर्फ़ी और देखिए अब कितना वाओ, देखा आपने कितना बढ़िया इसका टेक्सचर आया है। अब इसको मनपसंद अपने पीसेस में कट कर लेंगे, आप अपनी कोई भी शेप में इसको काट सकते हैं। देखिए कितनी बढ़िया लग रही है और कोई कलर हमने इसमें यूज़ नहीं किया है, बिल्कुल नेचुरल हमने इसको बनाया है, कोई भी कलर नहीं डाला है क्योंकि जो मार्केट में होती है उसमें कलर्स जले होते हैं। और देखिए आपको मैं एक दिखाती हूँ, देखिए कितना बढ़िया ये देखने में लग रही है और खाने में बहुत ही टेस्टी है। तो आप ज़रूर एक बार ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी है। और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए अब हम दूसरी बर्फ़ी बनाते हैं, ये है मिल्क बर्फ़ी और ये भी बहुत ही हेल्दी है, बहुत ही टेस्टी है और इसको बनाने के लिए भी बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स हमने यूज़ किए हैं। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है 1/4 कप देसी घी, आधा कप देसी कांड, आप चीनी ले सकते हैं और 1 कप दूध लिया है। सबसे पहले हम एक नॉनस्टिक कढ़ाई लेंगे और उसमें तीनों इंग्रेडिएंट्स डाल देंगे, 1/4 कप घी, आधा कप चीनी या देसी खांड इस तरह से और 1 कप दूध। ये तीनों चीज़ों को हमने कढ़ाई में डाल देना है और अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है, देखिए इस तरह से। अब जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है मिल्क पाउडर, इसमें 2 कप हमने मिल्क पाउडर डालना है, देखिए इस तरह से दूसरा कप भी डाल देंगे मिल्क पाउडर का। और अब इस सारे मिक्सचर को हमने अच्छे से मिक्स करना है, गैस की फ्लेम लो टू मीडियम ही रहेगी और इसको लगातार इस तरह से चलाते रहेंगे। और देखिए इसमें हल्के से लम्स जो हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं, तो इसे हटाने के लिए मैंने ये हैंड ब्लेंडर यूज़ किया है, इससे हम इससे अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको ताकि सारे जो लम्स हैं वो बिल्कुल निकल जाएं। और देखिए अच्छे से हैंड ब्लेंडर से इसको मिक्स करेंगे और गैस की फ्लेम हमने लो टू मीडियम रखनी है, बिल्कुल भी हाई फ्लेम नहीं करनी है। और इसको इस तरह से देखिए लगातार हमने चलाते रहना है, थोड़ा सा जो मिक्सचर है वो गाढ़ा हो चुका है, देखिए इस तरह से काफ़ी गाढ़ा पहले से हो चुका है। और इसको बस हमने यही करना है, इसको लगातार चलाते रहना है और गैस की फ्लेम हमने बिल्कुल हाई नहीं करनी है। और देखिए बिल्कुल भी इसको चलाते रहेंगे, बिल्कुल भी छोड़ेंगे नहीं क्योंकि ज़रा सा भी अगर ये नीचे लग जाएगा तो सारी मेहनत आपकी बेकार हो जाएगी। तो इसको लगातार इस तरह से चलाते रहिए और देखिए बिल्कुल जब तक ये गाढ़ा नहीं हो जाता तब तक इसको इस तरह से ही चलाते रहेंगे। देखिए इस तरह से काफ़ी गाढ़ा ये पहले से हो चुका है और इसको 15 से 20 मिनट का टाइम लग जाता है इसको बनाने में। अब इसमें 2 छोटी इलायची को मैंने पीस कर डाला है, इससे इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। आप 2 छोटी इलायची लीजिए, उसको ऊपर से हरा छिलका उसका उतार के उसको पीस लीजिए और इस तरह से उसमें डाल दीजिए, बहुत ही टेस्टी लगती है ये इलायची बर्फी में। और इसमें आधा छोटी चम्मच मैं केवड़ा वाटर भी डाल रही हूँ, केवड़ा वाटर से भी इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही बढ़िया आएगा। तो इस तरह से केवड़ा वाटर डाल देंगे और इसको बहुत अच्छे से हम मिक्स कर देंगे और लगातार चलाते रहेंगे, बिल्कुल भी हमने ये छोड़ना नहीं है चलाना।
और जब तक कि ये एकदम जो है वो सेट ना होने लग जाए, एकदम जब गाढ़ा ना हो जाए तब तक इसको चलाते रहेंगे। देखिए अब आपकी कढ़ाई बिल्कुल छोड़ चुका है मिक्सचर, तो यही इसकी पहचान है। इट मीन्स कि बर्फी बिल्कुल रेडी है अब सेट होने के लिए। तो इस तरह से एक बाउल को मैंने ग्रीस कर लिया है और उसमें इस तरह से ये जो बर्फी का मिक्सचर है वो डाल देंगे और अच्छे से इसको हमने टैप करके इसको सेट कर देना है। और एक स्पून पे इस तरह से आप घी लगाकर इसको अच्छे से ऊपर से स्मूथ कर सकते हैं। देखिए इस तरह से एकदम स्मूथ कर लेंगे। देखिए बिल्कुल स्मूथ हो गई है ऊपर से बर्फी। अब इसमें थोड़े से गार्निशिंग के लिए मैं बादाम डाल रही हूँ, आप चाहें तो पिस्ता डाल सकते हैं। और देखिए बहुत ही बढ़िया ये देखने में लग रही है, खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। अब इसको एक घंटे के लिए फ्रिज में रख दीजिए, जब एकदम ठंडी हो जाएगी तब इसको हम अपने मनपसंद पीसेस में कट कर लेंगे। देखिए इस तरह से अब आप जो चाहें वो शेप में इसको काट सकते हैं। देखिए मैं एक काट कर आपको दिखाती हूँ इसका टेक्स्चर, आप देख रहे हैं कितनी बढ़िया ये लग रही है, जैसे बिल्कुल मार्केट से आप खाते थे बर्फी, वही टेस्ट है और वही एकदम टेक्सचर है। तो आप ज़रूर इस रेसिपी को एक बार ही ट्राई कीजिएगा। तो दोनों ही रेसिपीज़ बहुत ही हेल्दी हैं, बहुत ही टेस्टी हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। तो ऐसे ही मज़ेदार रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। थैंक यू।